हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन ऑल अमेजिंग टिप्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपके घुटनों में कमर में दर्द बना रहता है, जैसे कि अभी ठंड का मौसम आ गया है और इस समय इस विंटर सीजन में घुटनों में दर्द की समस्या ज़्यादा देखने में आती है, खास करके जो बुजुर्ग लोग हैं जिनकी एज ज़्यादा हो गई है, उनको बैठने उठने में काफ़ी परेशानी होती है। ठंड के मौसम में अक्सर सभी को इस समस्या का सामना करना पड़ता है। और जोड़ों में कमर में दर्द की जो समस्या है, बहुत सारे कारणों की वजह से होती है। अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो इससे भी आपके जोड़ों में घुटनों में दर्द की समस्या उत्पन्न होने लगती है, क्योंकि कैल्शियम की कमी के होने की वजह से आपकी हड्डियां कमजोर होने लगती है और इस वजह से आपके घुटनों की ग्रीस कम होने लगती है, घुटनों में दर्द और कमर में दर्द की भी संभावना उत्पन्न होने लगती है। और खास करके अभी तो सभी के साथ ऐसा हो रहा है, जो बच्चे हैं या जो 30 एज के हैं उनके साथ भी ऐसी समस्या देखने में आ रही है कि उनकी हड्डियां कमजोर हो जा रही है, जिसकी वजह से उनको भी घुटनों में जोड़ों में दर्द की समस्या उत्पन्न होने लग रही है। तो इसलिए आपको अपने शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा करना बहुत ही जरूरी है, जिससे आपको जोड़ों में घुटनों में दर्द की समस्या भी उत्पन्न नहीं होगी और आपको थकान की भी समस्या उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि थकान भी जो है कमजोरी का एहसास भी कैल्शियम की कमी की वजह से ही होता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है, तो प्लीज इस वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे इफेक्टिव और घरेलू नुस्खा बताने वाली हूँ जिसका प्रयोग करके आप अपने कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं और आपके शरीर में जितने सारी बीमारियां हैं, जैसे कि घुटनों में जोड़ों में दर्द की समस्या, हड्डियों से कटकट की आवाज आना या आपको कमजोरी का एहसास होना, आपके बालों से जुड़ी समस्या हो, स्किन से जुड़ी समस्या हो, कोलेस्ट्रॉल लेवल की समस्या हो, यानी कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाने की से भी आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, तो इन सभी समस्याओं को दूर करेगा, क्योंकि कंट्रोल करता है और बहुत ही इफेक्टिव होता है, खास करके ठंड के मौसम में भी आपको काफी फायदा मिलेगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ऑप्शन पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मैं यहाँ पे आपको दो घरेलू नुस्खा बताने वाली हूँ। पहले नुस्खे के लिए यहाँ पे आपको फर्स्ट इंग्रेडिएंट में सफेद तिल का प्रयोग करना है। तो जैसे कि तिल काला भी होता है, सफेद भी होता है, तो यहाँ पे आपको सफेद तिल का प्रयोग करना है। फ्रेंड्स, तिल जो है हमारे सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि ये हमारी हड्डियों को बहुत ही ज्यादा मजबूत बनाता है, इसमें कैल्शियम की मात्रा काफी पाई जाती है और तिल में एक सेस्मिन नामक यौगिक पाया जाता है, जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी ऑक्सीडेंट गुण भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि घुटने के कर्टिलेज को सुरक्षित रखते हैं, जिससे घुटने के दर्द की समस्या से हमें छुटकारा मिलती है, क्योंकि कर्टिलेज का जब क्षरण होने लगता है तो हड्डियां आपस में रगड़ने लगती हैं और इस वजह से घुटनों में जोड़ों में दर्द की समस्या उत्पन्न होने लगती है। तो कर्टिलेज एक प्रकार का ऊतक है जो कि हमारे हड्डियों को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है, इसलिए कर्टिलेज को सुरक्षित रहना बहुत ही जरूरी है। तो तिल का सेवन करने से आपके कर्टिलेज सुरक्षित रहते हैं, जिसकी वजह से आपको घुटनों में और जोड़ों में दर्द की समस्या खत्म हो जाती है। और इसके साथ ही तिल में जो है मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, जिंक भी काफी मात्रा में पाया जाता है, जो कि आपकी सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है, आपके शरीर के बहुत सारी बीमारियों को दूर करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ तिल का प्रयोग नहीं करना है, इसके साथ आपको प्रयोग करना है गुड़ का भी सेवन। इसका किस तरीके से करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको एक ग्लास पानी लेना है, उसमें रात को एक चम्मच आपको सफेद तिल को डालकर भिगोकर रख देना है और सुबह में इस तिल को छानकर अलग कर लेना है और तिल वाले पानी को आपको हल्का गुनगुना कर लेना है, गर्म कर लेना है और इस तिल को चबा चबा कर एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लेना है और उसे खा लेना है, उसके बाद इस तिल वाले पानी को पी लेना है। ये काम आपको सुबह में खाली पेट करना है। अगर इस तरीके से आप प्रयोग करेंगे तो आपके जोड़ों में घुटनों की में जो दर्द की समस्या है बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। कैल्शियम की कमी को आपको बहुत ही जल्दी पूरा करता है तिल और इसके साथ ही आपके शरीर में जो कमजोरी थकान की समस्या है वो भी खत्म हो जाएगी। और तिल का सेवन इस तरीके से करने से आपके बालों से जुड़ी समस्याएं भी दूर हो जाती है, बालों का झड़ना खत्म हो जाता है और स्किन को भी हेल्दी बनाए रखने में तिल काफी फायदेमंद होता है। और अगर आप तिल और गुड़ का सेवन एक साथ करते हैं तो और भी दोगुने फायदे मिलेंगे इसके खाने के, क्योंकि गुड़ जो है वो आपकी सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है। इसमें आयरन काफी मात्रा में पाया जाता है, जो कि आपके खून की कमी को दूर करता है, कमजोरी थकान की समस्या को दूर करता है, गैस एसिडिटी की समस्या को दूर करता है, कब्ज की समस्या को भी दूर करता है। और दोनों को अगर आप एक साथ करेंगे तो ये और भी फायदेमंद होगा आपके सेहत के लिए, खास करके ठंड के मौसम में अगर तिल और गुड़ दोनों को एक साथ सेवन करते हैं तो ये आपके हड्डियों को मजबूत बनाता है और आपके कमर में, जोड़ों में, घुटनों में दर्द कभी नहीं होगा अगर आप पूरे ठंड भर इसका सेवन करते हैं। तो आप इस तरीके से तिल और गुड़ का सेवन डेली सुबह में खाली पेट कर सकते हैं, या पूरे ठंड भर आप चाहे तो तिल और गुड़ का लड्डू बना लीजिए, घर पे बना लीजिए और इसका सेवन कीजिए पूरे ठंड भर, आपके शरीर के बहुत सारे रोग ऐसे ही दूर हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप तिल और गुड़ का सेवन जरूर कीजिएगा, ये बहुत ही इफेक्टिव है। दूसरा घरेलू उपाय के लिए आपको फ्रेंड्स बादाम का सेवन करना है और दूध।
बादाम किस तरीके से प्रयोग करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको 5 बादाम लेना है, रात को पानी में भिगोकर इसे रख देना है, सुबह में बादाम के छिलके को निकाल देना है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि बादाम को छिलका निकाल कर नहीं खाना है आपको, क्योंकि बादाम के छिलके में एक प्रकार का तत्व पाया जाता है, और अगर आप बादाम के छिलके के साथ बादाम का प्रयोग करते हैं तो इससे बादाम के जितने फायदे हैं वो आपको पूरे तरीके से नहीं मिल पाते हैं। जितने भी पोषक तत्व इसके अंदर है, जितना फायदा आपको मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल पाता है, इसलिए हमेशा बादाम के छिलके को निकाल कर ही आपको बादाम का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको 5 बादाम के छिलके को निकालकर बादाम को चबा चबा कर खा लेना है। उसके बाद आपको 1 गिलास गर्म दूध पीना है। फ्रेंड्स, बादाम और दूध का एक साथ सेवन करने से, प्रयोग करने से आपको तुरंत एनर्जी मिलती है, आपके शरीर में जो थकान की समस्या है, कमजोरी की समस्या है, वो तुरंत ही खत्म होने लगती है। बहुत ही ये पावरफुल ड्रिंक है, बादाम का सेवन करना दूध के साथ बहुत ही ज्यादा फायदेमंद माना जाता है आपके सेहत के लिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपको सुबह में दूध नहीं पचता है तो आप सिर्फ बादाम का सेवन कर सकते हैं और उसके बाद 1 गिलास गर्म पानी पी सकते हैं। लेकिन अगर आपको दूध पच जाता है तो आप पी लीजिए, नहीं तो आप इसे ब्रेकफास्ट के बाद बादाम का सेवन दूध के साथ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को खाली पेट दूध नहीं पचता है, तो इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखिए। तो यहाँ पे मैंने 2 घरेलू उपाय आपको बताए हैं, 1 तिल और गुड़ का सेवन करने का और 1 दूध और बादाम का सेवन करने का तरीका। तो ये दोनों आप प्रयोग कर सकते हैं, साथ में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अभी जो ठंड का मौसम चल रहा है, इस मौसम में अगर आप तिल और गुड़ का प्रयोग करते हैं तो आपके सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि आपके हड्डियों को मजबूत बनाया गया, कैल्शियम की कमी को पूरा करता है, जोड़ों में घुटनों में दर्द की समस्या को दूर करेगा, क्योंकि कैल्शियम की जब कमी पूरी हो जाएगी, आपकी हड्डियां मजबूत होने लगेगी, हड्डियों से कटकटाहट की आवाज जो है बंद हो जाएगी और आपकी हड्डियां मजबूत बनेगी, तो आपके जोड़ों में घुटनों में दर्द की समस्या बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। अगर आप पूरे ठंड भर इसका प्रयोग करते हैं तो आपकी कमर में, जोड़ों में और घुटनों में दर्द कभी नहीं होगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि तिल का प्रयोग आप एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, चाहे तो आप सफेद तिल को हल्का सा रोस्ट करके इसका पाउडर बना लीजिए और रात को सोने से पहले आप 1 चम्मच तिल के पाउडर को दूध में डालकर और तब पीजिए। इससे आपके जो जोड़ों में घुटनों में दर्द की समस्या वो भी खत्म होगी, और अगर आपको नींद अच्छे तरीके से नहीं आ पाती है, रात को आप अच्छे तरीके से नहीं सो पाते हैं, तो आपकी अनिद्रा की समस्या को भी दूर करेगा। तो इस तरीके से आप तिल का प्रयोग रात को सोने से पहले दूध के साथ भी करेंगे तो आपको बहुत सारे फायदे देखने को मिलेंगे, कमजोरी थकान की भी समस्या दूर हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी भी आपको तुरंत मिलेगा। तो आप इस नुस्खे को जरूर यूज कीजिएगा, आपको 100% फायदा मिलेगा। अभी ठंड का मौसम है तो तिल और गुड़ बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है ठंड के मौसम में सेवन करना, क्योंकि गुड़ जो है विंटर सीजन में खाने से आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं, आपके शरीर के बहुत सारे रोग दूर हो जाते हैं। अगर आपको आप इसे तिल के साथ खाते हैं तो और भी अच्छा रहेगा, इसलिए आप तिल और गुड़ के लड्डू को बनाकर इसका सेवन करना शुरू कर दीजिए, और चाहे तो आप इसके साथ दूध और बादाम का भी सेवन साथ में ही कर सकते हैं, तो आपको और भी बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। तो आई होप कि आपको हमारी वीडियो काफी यूजफुल लगी होगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही और भी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो घरेलू नुस्खे की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।